जब व्यक्ति के अंदर ये भावना आ जाती है ना कि मैं ही सब कुछ हूँ। खैर जब तक इसमें जांच नहीं होगी तब तक कुछ खुल के सामने नहीं आ पाएगा। पढ़ाया लिखाया, मेहनत मजदूरी की, अब पीसीएस अधिकारी है, रवि रैंक यूपी की टॉपर है ना, मेरिट में आई, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर एक अहम का जो बीज है वो अंकुरित होने लगता है। वो टोटल उनका जो बोलते हैं ना माइंड ब्लैंक होना, वो माइंड ब्लैंक हो चुका है। लेकिन अब इस तरह से ये करना ये ज्योति के लिए गलत है। रिश्ते एक सीमेंट का काम करते हैं, एक बॉन्डिंग एलिमेंट है, और वो अपने पति को हीन दृष्टि से देखने लगी। शादी के बाद भी जब उसे पता चला कि उसका पति अधिकारी नहीं है, तब उसने इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया? अपनी गर्लफ्रेंड को पढ़ाओ मत भाई, कल के दिन आपने उसको अधिकारी बना दिया तो आप चतुर्थ श्रेणी रह गए, तो कैसे काम चलेगा? वो तो आपको छोड़ के किसी और के संग फरार हो जाएगी। एक पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, उसके लिए मेहनत करी ताकि वो कुछ बन जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा। देखिए, वैसे तो हमारे समाज में पति को परमेश्वर कहा जाता है, लेकिन जब उसी पति परमेश्वर की हत्या की साजिश उसी की ही पत्नी रचे तो इस बात पर आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ताज़ा मामला अभी फिलहाल बरेली का है, जहाँ पर एक महिला जो पीसीएस अधिकारी हैं, उन्होंने अपने ही पति जो कि एक फोर्थ क्लास एम्प्लॉय हैं, उनकी हत्या की साजिश रची। अब मामला ये है, सवाल ये उठता है इस बात पे कि क्या कोई किसी रिश्ते में जब किसी का ऊंचा पद हो, मतलब कि उनकी बीवी का ऊंचा पद था, तो अपने ही पति को नीचा दिखाना कहाँ तक उचित है? तो इस बारे में हम आज अपने न्यूज़ रूम में मौजूद हैं और यहाँ पर जो हमारे साथ साथी हैं न्यूज़ रूम में, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस बात पर उनकी क्या राय है, क्योंकि कहते हैं ना कि रिश्ते तो हर चीज़ से ऊपर होते हैं। मृत्युंजय सर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, तो उनसे हम करेंगे कि सर ऐसा क्या रहा होगा कि ज्योति के मन में ऐसी क्या बातें आ गई होंगी कि जो उन्होंने अपने ही पति को मारने की साजिश रची, जबकि उनके पति ने उनके करियर पे उनको इतना सपोर्ट किया। नैना, सबसे बड़ी बात है कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला जो भावना है ना कि मैं ही हूँ, आई एम ऑल इन ऑल, मतलब जब व्यक्ति के अंदर ये भावना आ जाती है ना कि मैं ही सब कुछ हूँ। अब पीसीएस अधिकारी है, वो 2015 में 16वीं रैंक यूपी की टॉपर है ना, मेरिट में आई, तो कहीं ना कहीं ये अपने अंदर एक अहम का जो बीज है वो अंकुरित होने लगता है। और पति जब वो हो फोर्थ क्लास का एम्प्लॉई, उसको लेकर चलने में एक मन में भाव होता है कि अरे ये तो हमसे बड़े छोटे पोस्ट में है, तो तमाम बातें रही होंगी। हालांकि इसमें जांच का विषय है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रिश्तों में जब ऐसी बातें आ जाती हैं तो बड़ा कठिन होता है, क्योंकि रिश्तों में अब जैसे पति हमारा बहुत बड़ा अधिकारी है, तो पत्नी अगर अनपढ़ है फिर भी उसको बड़ी खुशी है, या जो आईएएस अधिकारी है उसकी पत्नी अनपढ़ है उसको भी खुशी, मेरी पत्नी, क्योंकि रिश्तों में कहीं कोई भाव इस तरह नहीं आने चाहिए। रिश्ते एक सीमेंट का काम करते हैं, एक बॉन्डिंग एलिमेंट है कि लोग किस तरह एक दूसरे को जोड़ते हैं। और विवाह नाम की पवित्र संस्था है, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ संस्कार है, हमारे जो हिंदू धर्म में संस्कार है उसमें 16 संस्कारों की बात की गई है, उसमें परमेश्वर माना गया, और विवाह संस्कार है, अंत्येष्टि तक गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक एक संस्कार है, तो उसमें हम जो वैल्यूज़ हैं उसको हमको फॉलो करना चाहिए, उनको मानना चाहिए। तो अगर हम रिश्तों को बिल्कुल दरकिनार करके, रिश्तों को तार तार करके उन लोगों पर हम जाएंगे जो हमारे लिए बाधक हैं, तो निश्चित ही ये बहुत गलत है। और जो इस महिला के बारे में जो बात आ रही है, तो निश्चित ही उनको इस कदम नहीं उठाना, जैसे अभी आपने अपनी बात बताई कि वो जब शादी होकर के 13 साल पहले आई थी तो बिल्कुल उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया, पढ़ाई की और जुड़वा बच्चे हुए उनको, लेकिन फिर भी किस तरह से एक लगन थी, पढ़ाई की उन्होंने, ये कंपटीशन उन्होंने बीट किया, टॉप किया, 16वीं रैंक आई, तो कहीं ना कहीं परिवार का तो हाथ है ना। आज उनके जो मेकशिफ्ट में उनको बनाने में कितना परिवार का एक योगदान है, इस बात को उनको नहीं भूलना चाहिए। तो क्या ये भी संभव हो सकता है कि उनके जो पति हैं आलोक मेहता, वो ज्योति के रास्ते का आड़ा, मतलब रोड़ा बन रहे हो कहीं ना कहीं, ऐसा भी संभव हो सकता है कि इस वजह से ज्योति ये कदम उठा रही हो या साजिश रच रही हो उनके खिलाफ? देखिए, बातचीत के पहले ही मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक होता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक होता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ ये जो महिला है वो ऐसा लगता है, जिस तरह ये तथ्य देखने में सामने आ रहे हैं कि उनके अंदर सुपीरियरिटी कम, मैं ही ऑल इन ऑल, कि मैं पत्नी हूं और मैं जीएम हूं शुगर मिल की, और ये एक मामूली से कर्मचारी फोर्थ क्लास के, तो वो जो है वो जो बीज है, जो अहंकार का बीज है, जो घमंड का बीज है, वो बिल्कुल वटवृक्ष होता जा रहा है इनके जहन में। तो ये जो वटवृक्ष हो रहा है, तो ये जो अपनी शाखाएं प्रशाखाएं जो फैला रहा है, तो ज्योति को परेशान कर रहा है, और वो उनके साथ वो भाव नहीं रख पा रही हैं। वो जान रही कि अगर हमारे जो टोपी टोपी
एक है, मतलब कोई कमांडेंट है गाजियाबाद का, वो उनकी टोपी का बराबर का है, तो अगर उनके साथ रिश्तों को आगे ले जाती हैं तो उनके लिए बेहतर होगा। किसी पार्टी में, किसी सोसाइटी में कहीं जा रही हैं, अरे वाह वो भी बड़े अधिकारी, ये भी बड़े अधिकारी, लोग चार लोग सलाम करने वाले, वाह साहब क्या आइए, नमस्कार बैठिए, कुर्सी आपके लिए ही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर कहीं ना कहीं घर कर गया और वो अपने पति को हीन दृष्टि से देखने लगी। ये जो हीन ग्रंथि है, जो मेंटालिटी है, इसी का पूरा खेल है। अगर ये मेंटालिटी, अगर वो रिश्तों की समझ को विकसित कर पाती, समझ पाती, जो भारतीय संस्कार है, जो इंडियन कल्चर है, जो मैथोलॉजी में हमारे हैं, जो जैसे मैंने चर्चा की, जो संस्कार की, छोटे संस्कार की बातें आती हैं, तो ये बातें नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, पति को परमेश्वर माना जाता है, पति के प्रति एक भावना होती है और आपस में पति पत्नी का दाम्पत्य का ऐसा रिश्ता होता है कि उसमें देयर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, हाँ आपस में बैठ करके हल किए जा सकते हैं। और लेकिन जब दिमागी कीड़ा ये बन जाए, दिमाग में जब ये आ जाए कि नहीं ये मुझसे छोटे स्तर पर और मैं इनसे बड़े स्तर पर हूँ और मुझे अब इनके साथ नहीं रहना है, खीन भावना आ जाए, तो उस मानसिकता को आप बहुत इजीली नहीं सुधार सकते। अब ये बताइए, उनको तो अगर वो बड़े पद पे हो गई, उनको तो ये सोचना चाहिए कि अपने परिवार को किस तरह और बढ़िया से बढ़िया किया जाए, समाज में जो अपनी पोजिशन है वो किस तरह से बिल्ड किया जाए, किस तरह से उसको और मजबूती प्रदान की जाए, आधार उसका और मजबूत बने। भाई पति और पत्नी एक गृहस्थी के दो गाड़ी, गाड़ी के लिए दो पहिए हैं, अगर दोनों पहिए एक एक दिशा में जाएगा, एक दूसरी दिशा में जाएगा, तो बात कैसे बनेगी, तो दिशा टकमगा जाएगी, जिंदगी जाएगी, लड़खड़ा गिर जाएगा रथ। तो जीवन गाड़ी में दो पहिए होते हैं पति पत्नी का, दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि एक समय ऐसी स्थिति होती है कि माँ हमारी बहुत प्रिय है, पिता एक बहुत प्रिय है, बेटे बड़े प्रिय हैं, बेटियाँ बड़ी प्रिय हैं, लेकिन बुढ़ापे में जानती हैं पत्नी के सिवा, हाँ जो अपने अपने जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, जो बातें हैं, हम अपनी पत्नी से शेयर कर सकते हैं। माता पिता एक समय के बाद नहीं रहते हैं, लेकिन पत्नी हमारे साथ रहती है, हमारे बुढ़ापे की लाठी होती है, जीवन साथी, इसलिए तो साथी, हाँ तो जीवन साथी के प्रति ये कर्तव्य, ये भाव निश्चित ही ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये मुझे लगता है एक सबक भी है आने आने वाले लोगों के लिए कि अगर आपका पति छोटे पद पर है और वो उस तरह से परिवार में वो स्थितियाँ नहीं हैं, तो उनको एक सामंजस्य बिठाने के लिए उनको इस तरह ध्यान देना चाहिए, नहीं तो स्थितियाँ बिल्कुल बिगड़ जाएंगी। ताज़ा मामला बरेली से है, जहाँ पर एक महिला अधिकारी जो है, जिनका नाम ज्योति है, उनका पति का नाम आलोक है, तो उनके पति का जो आरोप है उनकी वाइफ पर, वो ये है कि उन्होंने उनकी हत्या की साजिश रची, क्योंकि वो एक ऊँचे पद पर काम करती है, उनके पति एक फोर्थ क्लास एम्प्लॉय है, एक सफाई कर्मचारी है, तो ये ऐसा क्यों हुआ होगा? देखिए नैना जी, मैं पहले तो आपको बताना चाहूँ कि जिस तरह से जांच पड़ताल आगे सौंप दी गई है, तो जब तक जांच क्लियर रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती कि आखिरकार मामला क्या है, तो उस पर ये बोलना तो गलत होगा कि कहता है कि पति गुनहगार है या पत्नी गुनहगार है, क्योंकि जब एक तरफ जहाँ पत्नी आरोप लगा रही है अपने पति पर, तो वहीं दूसरी तरफ पति भी पत्नी पर, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पत्नी बोलती है कि मुझसे गलत शादी से पहले उन्होंने एक अधिकारी बनकर मेरे साथ शादी करी है, झूठ बोल के शादी की है। वहीं पति बोलता है कि कहते हैं कि उनका अफेयर चल रहा है जिस तरह से, तो आखिरकार पूरा मामला क्या है वो तो जांच पड़ताल के बाद ही खुलासा होगा। पर सवाल आखिरकार ये बनता है कि जब पत्नी बोल रही है कि गलत तरीके से शादी की गई, झूठ बोल के शादी की गई है, तो आज नैना चाहे कोई पढ़ा लिखा हो या ना हो, जब कोई बाप अपनी बेटी को देता है, उसकी शादी करता है, या फिर एक लड़की भी जब शादी करती है किसी के साथ, तो वो पूरी जाँच पड़ताल अच्छे से करती है कि लड़का अधिकारी है या नहीं है, सब वेरिफिकेशन अच्छी चलती है। पर मेरा सवाल दूसरा ये है कि शादी के बाद भी जब उसे पता चला कि उसका पति अधिकारी नहीं है, तब उसने इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया, क्यों नहीं इसने इस पर नाराजगी जताई कि उसका पति फोर्थ क्लास कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, तब सवाल ये क्यों नहीं उठाया? आखिरकार जब उसके पति ने अपनी पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया, तब उसकी पत्नी ने इस पर क्यों सवाल उठाया कि धोखे से या गलत तरीके से शादी हुई है? वहीं दूसरी बात, पति को चैट दिखा रहा है कि जो चैट सामने आया है कि उससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं पत्नी का शायद अफेयर था उस अधिकारी के साथ। क्या मतलब अंजलि ये भी कह सकते हैं कि स्टेटस सिंबल मेंटेन करने के लिए ज्योति ने ऐसा कदम उठाया? क्या वो अपना स्टेटस जो दुनिया को दिखाना चाहती थी वो ये था कि मेरा स्टेटस बहुत ऊपर है, तो उनके पति एक फोर्थ क्लास एम्प्लॉय थे, तो इस वजह से भी वो ऐसा कर सकती हैं? देखिए नैना, उनकी थिंकिंग क्या रही होगी, उन्होंने क्या सोचा होगा कि क्या अब उनको, क्या उनको शादी के बाद, मतलब उनको क्या पता इस पद पर आने के बाद उन्हें किसी से प्यार हो गया है, या फिर अब अपने पति के साथ उनको रहना अच्छा नहीं लग रहा? आखिरकार इसकी वजह क्या है, ये तो खासतौर पर ये उनकी पत्नी ही बता सकती है, और इसका खुलासा तभी होगा जब रिपोर्ट
रिपोर्ट, जांच पड़ताल में जो रिपोर्ट सामने आएगी तभी पता चलेगा कि आखिरकार उसने ऐसा अपने पति के साथ क्यों किया, या फिर पति ने जो आरोप लगाया वो कितना सही है, तो रिपोर्ट के बाद इसका खुलासा होगा। पर मेरी नजर में ये गलत है, क्योंकि जब जिस पति ने आपको पढ़ाया लिखाया, जब आप और एक ने उच्च पद में पहुंचाया, तो एक उचित स्थान पर जाने के बाद इस तरह से अपने पति को नेग्लेक्ट करना, उसको इग्नोर करना और उसको मरवाने की साजिश रचना एक भारतीय नारी के लिए बहुत बड़ी बात है और काफी गलत है मेरे नजर से। बाकी क्या होगा तो रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा होगा। देखिए ये सब एक जांच का विषय है, जब तक जांच नहीं पूरा होगा तब तक इसमें कुछ सामने नहीं आएगा। आपकी इसमें क्या राय, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा किसी पत्नी को अपने पति के साथ ऐसा करना चाहिए, उसको नीचा दिखाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट इसमें बहुत से मामले खुलकर भी सामने आए हैं। इसमें ये भी बताया जा रहा है कि पति ने भी धोखे से शादी किया था। खैर, हाँ खैर, जब तक इसमें जांच नहीं होगी तब तक कुछ खुल के सामने नहीं आ पाएगा। तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और हम आपसे बात करना चाहेंगे। खजान जी, आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि पत्नी ने जो ये कदम उठाया, मतलब आरोप है वैसे तो अभी तक उन्होंने, उनके पति ने आरोप लगाया कि वो उनकी हत्या की साजिश रच रही हैं, तो 10 साल बाद उनकी वाइफ को ये बात याद आई है कि उनके साथ उनको नहीं रहना है? जी बिल्कुल, जैसा कि बरेली PCS अधिकारी है, महिला आरोप लगा रही है, गंभीर आरोप हैं पति पर, और वहीं पति ने भी आरोप लगाए हैं कि भैया मेरी हत्या करवा सकते हैं। बात की जाए दोनों की, तो 2010 में दोनों की शादी हुई थी, उसके बाद 2015 में उसने अधिकारी बनी, कई जिलों में तैनात रही, और उसके बाद अब जाकर जो अभी मामला सामने आ रहा है कि पति कह रहा है कि भाई साहब पत्नी मेरी हत्या करवा सकती है, और आरोप बड़े गंभीर लगा रहा है कि उसका अपना प्रेमी है और ये आपसी संबंध हैं जो 2010 में तक सही थे, दो बच्चियों को, जुड़वा बच्चियों का जन्म हुआ 2015 में, उसी समय वो अधिकारी बनी, पति ने ही पढ़ा के अपनी पत्नी को अधिकारी बनाया, लेकिन उसके बाद अब जो माहौल है, अब जो देखा जा रहा है इस खबर पर, जो अपडेट आ रहा है, अब जो नया मामला उछल कर सामने आया है, कई सवाल उठा रहा है, जैसे कई लोग मेम्स बनाने लगे हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड को पढ़ाओ मत भाई, कल के दिन आपने उसको अधिकारी बना दिया तो आप चतुर्थ रह गए तो कैसे काम चलेगा, वो तो आपको छोड़ के किसी और के संग फरार हो जाएगी, तो कई मेम्स बन रहे हैं, लेकिन मामला क्या है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। कि देखो, लड़की का अपनी पसंद हो सकती है, शायद 2010 में जब शादी हुई होगी उनकी तब अलग स्थिति रही होगी, और उसके बाद लड़के ने उसको पढ़ाया होगा, मेहनत करी उस पर, उसको लिखाया पढ़ाया सब कुछ किया, उसको अधिकारी बनाया, लेकिन जब 2015 में जब अधिकारी बन गई, उसके बाद दोनों अलग अलग पोस्टिंग हो गई, दोनों की अलग अलग जगह, एक अधिकारी बन गई, एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी रह गया, उसके बाद लड़की का किसी और के साथ संबंध, ये पति का आरोप है कि गाजियाबाद में तैनात है एक और अधिकारी जिसके संग अवैध संबंध है और दोनों मिलकर मेरी हत्या कराना चाहते हैं, जिसके बाद ये मामला संज्ञान में आया, मामला उछला, एक अधिकारी PCS अधिकारी अगर इस तरीके का कृत्य कर रही है कि हत्या कराना चाहती है अपने पति का, तो मामला उछलना लाजमी था। उसके बाद पत्नी सामने आई और उसने भी कई आरोप लगाए, चैट दिखाए कि भाई साहब इसने भी देखो मेरे को धोखा दिया, किसी और के संग शादी रचाई, तो कई तमाम सवाल हैं, जांच के बाद सब कुछ सामने होगा कि क्या है क्या होना है। लेकिन है ना, आपने सूर्यवंशम का एग्जाम्पल दिया, यहाँ से उसके उल्टी कहानी नहीं, बिल्कुल सिमिलर कहानी है, क्योंकि यहां पर भी एक पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, उसके लिए मेहनत करी ताकि वो कुछ बन जाए, और फिर उसके बाद जब वो पत्नी कामयाब हो जाती है, जिंदगी में कुछ हासिल कर लेती है, एक पद ग्रहण कर लेती है, और उसके बाद उसका कहीं अफेयर चलता है या फिर दोस्ती यारी होती है बाकी अधिकारियों से, तो प्यार एक रिलेशनशिप का अलग चीज़ है, लेकिन एक समाज होता है ना, उसमें देखा जाता है कि किस तबके के लोग कहाँ पर उठना बैठना है, वो जब अधिकारी बन गई तो उसका उठना बैठना अधिकारियों में होने लगा, और जो पति है वो आपने बताया सफाई कर्मचारी है, तो कहीं ना कहीं उसे इस चीज़ से घृणा होने लगी। ये साइकोलॉजी का एक पार्ट है, हाँ ये साइकोलॉजी का एक पार्ट है, इंसान को एक लंबे समय तक जब यही चीज़ करती है तो ऐसा होने लगा, ये कहीं ना कहीं ये चीज़ भर देता है कि आप एक लेवल के बंदे हैं, जैसे हम हैं, हम भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को, अगर हमारे अंदर घमंड आ जाए कि मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ और बात ना कर छोटे लोगों से, तो वो गलत चीज़ है। लड़की को यहाँ पर जो ये पत्नी है इनकी, इनको यहाँ पर ये गलत लगा, प्लस ये चीज़ सिद्ध तब हुई जब उसने जाकर के देखा, पहले चैट लीक हुई, उसके बाद कॉल लीक हुई, उसके बाद उसने जाकर के देखा, लेकिन कुल मिलाकर के ये चीज़ बहुत गलत है। एक और हरियाणवी फिल्म भी थी जिसमें जो है ऐसा दिखाया जाता है कि पति कहता है कि तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी, तो पत्नी कहती है मैं आपका नाम भरी भीड़ में लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो मास्टर नहीं बन जाती है तब वो कहती है कि ये तो मेरे बगल पड़ोसी काम करते हैं, तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है। हाँ, कई जगह पहले भी देखने को मिला, जो कि बहुत दुखद है, ऐसा होना नहीं चाहिए, समाज पर धब्बे का काम करती हैं ऐसी चीज़ें, पति पत्नी के इस पवित्र बंधन को जो है बदनाम करती हैं, तार तार करती हैं, और इसमें थोड़ा सा जाँच होनी चाहिए, अगर ये सही है तो इस अधिकारी के ऊपर बाकायदा पूरा एक्शन भी होना चाहिए, ताकि आने वाले ऐसे जो लोग हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि चाहे आप बहुत बड़े बन जाएं, लेकिन अपने रूट्स पर आपको टिके रहना चाहिए। तो विकास, आपका कहना है कि महिला अधिकारी जो हैं उन पर पूरी तरीके से एक्शन लेना चाहिए। अब उनका क्या, जिन्होंने अपनी वाइफ को कामयाबी के शिखर पर पहुंचाने के लिए इतनी मेहनत करी, अब उनका क्या होगा?
देखिए सबसे बड़ी बात तो ये कि उन्होंने अपने पत्नी को अपने से ज़्यादा कामयाब बनाया, पढ़ाया लिखाया, मेहनत मजदूरी की, पैसे भी, सफाई कर्मचारी है वो तो सैलरी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को कामयाब बनाने के लिए जी जान लगा दिया जी। लेकिन बुलंदी मिलते ही, कामयाबी पे पहुँचते ही उनकी पत्नी ने ऐसा पासा पलटा कि आज आलोक न घर के रहे न घाट के रहे। जहाँ समाज में उनकी एक तरफ बदनामी हो रही है तो दूसरी तरफ उनकी पत्नी अपना स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए उनको पति तक मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब सवाल यही है कि आपने पूछा कि आलोक का क्या होगा, अब आलोक ने दरवाजा खटखटाया है, न्याय के लिए गुहार लगाई है। अब ऐसे में देखना होगा कि जो जांच अधिकारी हैं इस पूरे मामले में क्या कुछ जांच निकल के आती, क्या आलोक सच है या उनकी पत्नी सच है, ये तो जांच के बाद ही। मामले को देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या मतलब जिस तरीके से मामला सामने आ रहा है उसमें आलोक की जो पत्नी है वो उनको कहीं ले जाने में कतराया करती थी, उनके साथ कहीं जाती नहीं थी और उनका नाम भी कहीं ज्यादा नहीं बताती थी, तो इस मामले को देखते हुए तो ये लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं ज्योति को आलोक से दिक्कत होने लगी थी, उनके पद से दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि वो एक ऊंचे पद पर तैनात थी, वहीं उनके पति एक सफाई कर्मचारी थे। तो मामले से तो साफ साफ ऐसा ही लग रहा है कि जो ज्योति है वो बहुत ज्यादा अब नहीं चाहती थी आलोक के साथ रहना। टोटल मामला स्टेटस सिंबल का है, स्टेटस सिंबल का। हाँ। क्योंकि जब आदमी को एक कामयाबी मिल जाती है ना, होता नहीं है कि जमीन पे पैर रहना या जमीन छोड़ देना, तो ज्योति के पांव अभी जमीन पर नहीं है, उनको नई नई कामयाबी मिली है और बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आती है, वो बहुत निम्न तबके से आती है, लेकिन कामयाबी मिलने के बाद वो टोटल उनका जो बोलते हैं ना माइंड ब्लैंक होना, वो माइंड ब्लैंक हो चुका है कि वो भूल चुके हैं कि आलोक ने मेरे साथ क्या किया है। जब हम उस दौर से गुजर रहे थे आलोक की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, आज उनके दिमाग में वो सारी चीज़ें उनके जहन में नहीं है, वो टोटल उनको अभी प्रेजेंट दिख रहा है, अपना भविष्य वो आलोक के साथ बेहतर नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरा बेहतर भविष्य होगा, और वो उनको पता है कि अब कहीं ना कहीं अगर आलोक उनके साथ नहीं भी हुए तो वो उस जगह पे पहुंच चुके हैं, उस मुकाम को उन्होंने हासिल कर लिया है कि बगैर आलोक के भी वो आगे का रास्ता तय कर सकती हैं। तो अभी जो स्थिति बनी हुई है उसको देख के तो देखिए ऐसा लग रहा है कि जो ज्योति है उनको शोहरत और दौलत का इस तरीके से नशा शुमार हुआ उनके सर पर कि वो ये भूल गई हैं कि उनको जो ये शोहरत और ये दौलत जो मिली है, जो पद उनको मिला है, वो उन्हीं के पति की वजह से मिला है, क्योंकि उनके पति की ही मेहनत थी कि आज वो यहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर और लोग भी, इससे भी हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे। तो आशीष जी आज से हम बात करेंगे, आपसे पूछेंगे कि क्या आपको लगता है कि जो पत्नी जो पति इल्ज़ाम लगा रहे हैं अपनी पत्नी पर कि वो उनको मारने की साजिश रच रही है, क्या ज्योति के रास्ते का रोड़ा बन रहे थे क्या उनके पति? देखिए मैं सबसे पहली बात आपको अलग से एक चीज़ दिखाता हूँ। हाँ, देखिए ये जो ज्योति का मामला जो है ये पति पत्नी का है, ये मामला अलग है, लेकिन जिसका अफेयर की बात चल रही है, जिससे जो मनीष दुबे है उसकी खबर हमारे पास में आई है कि मनीष दुबे का जो एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें मनीष दुबे की पत्नी जो है एक विभागीय बड़े अधिकारी के साथ में बात कर रही हैं और वो बता रही हैं कि इनका और भी ज्योति से बातचीत कर रहे हैं। हाँ, जो उनका ऑडियो वायरल हुआ है और उसमें ये आ रहा है कि जो उनकी पत्नी है वो ही आरोप लगा रही हैं कि इनका इन्हीं से अफेयर नहीं है, कई लड़कियों से अफेयर है, जिसमें जो है ये एक अधिकारी से, डीजी लेवल के अधिकारी से उन्होंने बात की है, उसका एक ऑडियो वायरल हुआ है जो हमारे पास में खबर आई है और उस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया भी है। कहने का मतलब ये है कि जो सर दर्शकों को बताएंगे कि ऑडियो में क्या बातचीत हो रही है। देखिए ऑडियो में जो ये जो मनीष दुबे हैं इनकी पत्नी है वो अधिकारी से बात कर रही हैं, डीजी से एक पूर्व हैं अधिकारी, उनसे बात कर रही हैं। उनसे बात करने के बाद में उन्होंने ये बोला है कि इनका जो है ये अफेयर जो है वो केवल इसी से नहीं है। अच्छा। करीब 3-4 लड़कियों से, महिलाओं से इनका अफेयर चल रहा है। मतलब ये बात हाँ ये मनीष दुबे की पत्नी जो है, जो उनके प्रेमी हैं, मनीष दुबे की पत्नी का ऑडियो वायरल हुआ है, तो उसमें उन्होंने ये आरोप लगाया, जो अधिकारी से बात हुई है उसका एक वीडियो ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें ये आया है कि इनका इन्हीं कई इस महिला से ही नहीं और भी कई महिलाएं हैं जिनसे जो है अफेयर चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो रहीं साथ में, जब पति, ये एक पति और पत्नी का क्या आपस में बाउंडेशन होती हैं, लेकिन अब इस तरह से ये करना ये ज्योति के लिए गलत है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। लेकिन ये भी देख लेना चाहिए कि हम जिसके पास जा रहे हैं वो ऑलरेडी कितनों के पास है, सबसे बड़ी बात ये। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे असद हमारे साथ मौजूद है और असद से हम बात करेंगे। तो असद आपको इस मामले में क्या लगता है कि क्यों ये साजिश रची गई होगी, ऐसा क्या हुआ उसके दिमाग में, मतलब जो है ज्योति के दिमाग में ऐसा क्या आ गया अपने ही पति के लिए, अपने पति के एकदम खिलाफ हो गए, 10 साल बाद उन्हें ये बात याद आ रही है कि उनको अपने पति के साथ नहीं रहना है?
जैसा कि आप देख रही हैं इस कहानी में ऐसा ट्विस्ट आ रहा है कि वो अपने पद को लेकर जो है पद की गरिमा बनाए रखने के लिए, मतलब उनका पति सफाई कर्मचारी है और वो इतने ऊपर पद पे बैठी हुई, वो तो नहीं चाह रही थी कि क्या कहते हैं हमें उनके साथ रहना फील अच्छा नहीं लग रहा था। और वो अफेयर की बातें भी बहुत सारी चैट वायरल हो गई, और 2010 में जब उनकी शादी हुई थी तब तो उनको नहीं लगा था कि क्या कहते हैं हम कुछ अधिकारी बन पाएंगी, लेकिन अब जब वो अधिकारी बन गई तो पति के साथ नहीं रहना चाहती हैं क्योंकि वो ऊंचे पद पर चली गई और उनको मतलब ये फील हो रहा है कि हम इसे नीचे पद वाले आदमी के साथ क्यों रहे हैं। और फिर वही होता है ना कि जब आदमी पोजीशन पे आ जाता है तो अपनी पोजीशन का फिर देखता है कि पोजीशन पे पहुंचने के बाद वो नीचे पोजीशन वाले साथ नहीं रहना चाहता, ना उनको कहीं पार्टी में ले जा रहे थे ना उनको कहीं ले जा रहे थे, उनको अलग कर दिया। बताओ शादी किया, दो बच्चे जो बेटियाँ हैं और दो बेटियों का गुजारा कैसे करें। असद, ये तो एक हीन भावना जैसी बात हो गई कि वो जेलस फील कर रही है, हीन भावना फील कर रही है। कहीं ना कहीं बार बार ये भी बात सामने आ रही है कि जो उनकी पत्नी है यानी कि ज्योति, उनका कहीं अफेयर भी चल रहा है, जिस वजह से भी वो ये सब नाटक जो है वो ये सब ढोंग जो है रच रही है क्योंकि उनका कहीं और अफेयर चल रहा है। तो इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अफेयर चलने से फिर जो पारिवारिक जिंदगी है वो खराब हो जाएगी, और जब खराब हो जाएगी तो और लोगों में सोशल मीडिया पे वायरल भी होगी उनकी चैटें, उनकी चैट वायरल हो गई, उनके जो वॉइस रिकॉर्डिंग होती है वो वायरल हो गई, और इससे जो है अब उनको लग रहा है कि नहीं कुछ चीज़ें गलत हुई, उनको रियलाइज करना चाहिए ऐसा चीज़ें, लेकिन वो मान भी नहीं रही हैं। वो कह रही हैं हम तुम्हें छोड़ देंगे, हम तुम्हें तलाक दे देंगे, और वो जो जिसके साथ उन्होंने अफेयर चल रहा है वो भी एक ऊंचे पद पे है, तो अब ये देखना होगा कि क्या ही आगे कर सकते हैं उसमें। अब मामला पूरी तरीके से क्या है, क्योंकि ये अभी आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है ये मामला, क्योंकि उनके पति का सिर्फ अपनी पत्नी पर भी आरोप है कि वो एक ऐसा प्लानिंग कर रही है कि वो कैसे अपने पति को मार सके, उनकी हत्या कर सके। मामले की जाँच की जा रही है, जाँच जो हो रही है, जाँच के बाद नए नए जो है मसले सामने आ रहे हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जाँच जब की गई तो एक फ़ोन रिकॉर्डिंग सामने आई है जिसपे वो जो ज्योति हैं उनके जो जिनसे वो बात करते हैं यानी कि जिन जिन पे ये आरोप है कि इनके साथ इनका अफेयर चल रहा है, उसी की वाइफ की जो एक ऑडियो सामने आई है वो एक अधिकारी से बात कर रही है और बता रही है कि उनके पति का सिर्फ ज्योति से ही नहीं और भी कई लोगों से अफेयर चल रहा है, कई लड़कियों के साथ वो बातचीत करते हैं। अब ऐसे ही लगातार जांच पे जांच होती रहेगी और कोई ना कोई नया मुद्दा इसी मुद्दे में से निकल के आता रहेगा। बाकी इस खबर पे आगे क्या होने वाला है और किस क्या जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं ज्योति के ऊपर वो साबित होंगे या नहीं, या फिर इस मुद्दे में आलोक पूरी तरीके से सही है या ज्योति, वो देखना होगा जब आगे जांच हो जाएगी, उसके बाद हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म।